रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो के साथ, एक नए मसले के साथ मैं हूँ डॉक्टर बिल्कीस शेख और आज मैं आपके लिए बहुत जबरदस्त साबुन बनाना सिखा रही हूँ। इस साबुन को बनाने के लिए आप लोगों ने बड़ी फरमाइश की थी, मैं जादुई सौंफ भी आपको बनाना बताऊंगी, चीजें रखकर जो इसमें जादुई सौंफ भी बनता है, लेकिन छाइयों के लिए, फोड़े, फुंसियों के लिए, व्हाइट हेड्स के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए, ये एक मैजिकल हर्ब से मैजिकल साबुन बनाना बता रही हूँ और बहुत इजीएस्ट वे में आपको बता रही हूँ। आपने करना क्या है, आपने लेना है कोड़ तुम्बा, जिसे बिटर मेलन भी कहते हैं, लेकिन आप नेट पे जाके सर्च करते हो तो बिटर मेलन के तौर पे करेला आ जाता है। बिटर मेलन का मतलब है देखिए, खरबूजे की तरह है, और बिल्कुल खरबूजे की तरह है, लेकिन ये जहरीला पौधा है, लेकिन ये अद्वियात में इस्तेमाल होता है, इससे होम्योपैथिक में अद्वियात बनती है, दवा बनती है। अभी मैं इससे बना रही हूँ साबुन, वो बनाने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपने कैसे बनाना। दो तीन तरीके से इससे साबुन बनते हैं। अगर ये मुझसे कट जाए, ठीक है, बड़ा इसका छिलका सख्त होता है, और पुराने जमाने में हुक्मा इससे शुगर की दवा बनाते थे, और इसको वैसे ही मैं बता देती हूँ, इसको इसी तरह करके, अगर आपकी शुगर 300-400 होती है तो ये हाथों पे और पाँव में रगड़ा जाता है और जबान आपकी तल्ख होने लगती है, आप उसी वक्त अपना शुगर चेक कर लें तो आपका शुगर जो है कंट्रोल होता है। और इसके जो बीज होते हैं, इससे बाल काले करने का तेल बनाया जाता है, वो भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। अभी तो ये बीज जो है मैं साइड पे रख लेती हूँ, क्योंकि इसका बीज भी जाया नहीं करना है, ठीक है। और इसके बीज से शुगर की भी दवा बनती है, वो भी मैं आपको बाद में बनाना बताऊंगी। साबुन बनाना बताना है, उसमें इसके बीज नहीं जाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बीज को अलग करना है और इसका आपने रस अलग करना है, ठीक है। मैं इसको काट के इसका रस अलग करती जाती हूँ और इसके रस में इन्फ्यूजन करती हूँ। किसका? इसके रस में मैं इसको निचोड़ लेती हूँ। ये एक दो दिन पहले मंगा के तोड़वा के रखे थे और बहुत ही अच्छा जूसी सा है ये। मैं देखिए हाथ से ही निकाल रही हूँ। बीज अलग करने के बाद, बीज स्क्रबिंग होगी, लेकिन बीज आपको अलग करना है, बीज नहीं आना चाहिए, सही है। थोड़ी सी मेहनत का काम है, सिखा रही हूँ ताकि आप खुद करें। ये बीज से पाप इधर चला गया। ये मैंने पहले से ही जो है सोप ग्रेन्यूल्स मार्केट में मिल जाते हैं, अगर नहीं मिले तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी अच्छा फ्रेग्रेंट फ्री ग्लिसरीन सोप ले लेना है और इसमें से आपने बीज निकाल निकाल के अलग करते रहे और ये जो है इसमें मिक्स करते रहे, सही है। और खुदारा ग्लव्स पहन लीजिएगा, क्योंकि एकदम शुगर लो हो जाता है, हाइपोग्लिसरीमिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा तल्ख है, तो आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, सही है। और इसके जो इसका जो गूदा है वो आप इसमें मिक्स करते जाएं और इसको खुद ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लेंडर में आपने हाथ से ही करना है, क्योंकि आपका ब्लेंडर में इसके असरात रह जाएंगे जो बाद में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस तरह, शुगर लो कर सकते, और कोई नुकसान नहीं, ठीक है। अब इसमें दो और चीज़ें ऐड होंगी, एप्रिकॉट ऑयल और ग्लिसरीन। अगर आपने एक सोप लिए तो दो कुरतुम्बा के रस इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। और एप्रिकॉट ऑयल आप कितना लेंगे? 10 ml, 10 ml एप्रिकॉट ऑयल। एप्रिकॉट ऑयल प्योर होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। और ग्लिसरीन आपने इसमें लेना, ठीक है, ग्लिसरीन भी जो है आपने 10 ml लेना, सही है। ये दो चीज़ें हो गई, इसको मज़ीद गूंदा। और यहाँ पे आप बोल रहे होंगे पतीली का क्या काम है, अब इसको इस पतीले में थोड़ा सा सुखाने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। दो तरीक़े, या तो आप इसको इस तरह बना के इसको सुखाने के लिए छत पर रख दें, सही है, इसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल दीजिएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा पिघला लेंगे। पिघलाने से क्या होगा कि सारी चीज़ें यकजा हो जाएंगी, मगर इसमें जो आप बर्तन इस्तेमाल करेंगे वो स्टील का होना चाहिए, वो लकड़ी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लकड़ी में जज्ब हो जाएगा, आपकी लकड़ी में जज्ब होगा तो फिर आपको बदरेशन होगी आगे। तो मैं इसलिए इसमें जो है कांटा इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर
वो वाला। आप देखिए इसको इस तरह मिक्स कर, मर्ज कर रही हूँ, बस मिक्स कर रही हूँ। आपका जादुई साबुन किसके लिए? छाइयों के लिए, ब्लेमिशेस के लिए, एक्नी के लिए, वाइट हेड्स के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए तैयार हो गया। अच्छा, चूल्हा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब कि चूल्हे की आँच जो है ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग, हमें ये नहीं करना कि इसके जो मेडिसिन वैल्यू है वो ख़त्म करें, ठीक है। अब इसको किसी भी बर्तन पे फैला के या कोई भी शेप देकर आप सुखा लें, ठीक है। इसको कोई भी शेप दे के इसको सुखा लें। ये पहले ही दिन जब आप थोड़ा सा गर्म करके करते हैं, और आपके सामने मैं बर्तन से ही उठा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि चूल्हा इतना गर्म नहीं है, ठीक है। इसकी शेप, मुख्तलिफ शेप बना के आप रख लें। आप एक साबुन से तीन से चार साबुन बना लेंगे। एक साबुन आपका जो 50 ग्राम का होता है, उसमें आपने दो कुरतुम्बा के रस डालने, ये याद रखिएगा। ये साबुन बना के आप रख लें, और इसका इस्तेमाल है कि आप दिन में दो बार इससे मुँह धोइए, और फ़र्क देखिए कि आपको छाइयों में कितनी जल्दी फ़र्क पड़ता है। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद अपनी उन बहनों की मदद करना भी है जो घर में रह के काम करना चाहते हैं, जो ब्यूटिशंस हैं, जो लोग हैं, जो मतलब कि बहुत सारे लोग ये नहीं बना सकते होंगे, बहुत सारे लोग हैं कि वो ये बनाकर सेल कर सकेंगे। तो मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद हर उस शख्स की जो मेहनत करना चाहता है उसकी मदद करना भी है। मैंने भी स्क्रैच से शुरू किया था, आप लोग भी शुरू करें, ठीक है, और मज़ीद सीखें। मगर इसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मेरा साथ दीजिए और सीखते रहें।